मेरा अपना बिलीफ है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंसर्न एजुकेशन होनी चाहिए, विच इज नॉट, एंड दैट्स द पेन ऑफ द कंट्री. जब तक हम एजुकेशन को देश का पेट सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम मंदिर मस्जिद को बना लें, हम काव को बना लें, हम इधर बना लें, हम उधर बना लें, जब तक हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, एजुकेशन को नहीं बनाएंगे, स्कूल्स को नहीं बनाएंगे, तब तक वी कांट डेवलप आवर कंट्री. चैलेंजेस, मुझे ब्रॉडली एजुकेशन से लगता है कि हमारी एजुकेशन को लेके कंडीशनिंग बहुत ख़राब हो गई है देश में. एजुकेशन मतलब कैरियर, एजुकेशन मतलब पैकेज. जब तक हम इस सेल से बाहर निकल के एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे, हम बात तो बहुत करते हैं. जस्ट टू गिव यू क्विक एग्जांपल, मैं एक स्कूल में गया, उनका एक एनुअल फंक्शन हो रहा था. सो प्रिंसिपल इन द बिगनिंग गेव वेरी गुड रिमार्क्स अबाउट द आइडियल एजुकेशन सिस्टम. पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द डायस एंड सी सेड, आपको अपने बच्चों से मार्क्स के बारे में कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए, उनके कम मार्क्स आ जाएं. आइडियल पेरेंट कैसा हो सकता है? उन्होंने काफ़ी आधा घंटे तक बोला अपनी ओपनिंग प्रेजेंटेशन में, एंड देन शी शोड, मतलब शी प्रेजेंटेड सम ऑफ हर स्कूल्स अचीवमेंट्स. देन आई केम टू द डायस एंड आई सेड, मैम मैं अगर उन पेरेंट्स में बैठा हूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा आपका स्कूल टॉप करे, बिकॉज आप आधा घंटे की अपनी प्रेजेंटेशन में 20 मिनट बोल के गई हो कि हमें आइडियल पेरेंट को कैसा होना चाहिए, अपने बच्चे से मार्क्स पे बात नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चे को रिजल्ट्स पे कभी टेंशन नहीं डालनी चाहिए, बट आपकी लास्ट की 10 मिनट की प्रेजेंटेशन फोकस कर रही है कि रिजल्ट इज़ एवरीथिंग. बिकॉज आपकी लास्ट की 10 मिनट की प्रेजेंटेशन में आपने स्लाइड में जिन बच्चों के फोटोग्राफ दिखाए वो हाईएस्ट मार्क ऑप्टेन, मतलब जिन्होंने ऑप्टेन किए उनके फोटोग्राफ दिखाए, आपने बताए हमारे स्कूल के टॉपर्स कब कब कौन कौन कहाँ रहे हैं. अगर आप टॉपर्स गिनाओगे प्रेजेंटेशन में, एनुअल फंक्शन में, और फिर पेरेंट को कहोगे अपने बच्चे को टॉपर होने के लिए नहीं बोलो, दिस कांट वर्क. आपको आइडियली अगर पेरेंट्स के बीच में से ये निकालना है कि वो अपने बच्चे को टॉपर लाने के लिए प्रेशर ना करें, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन से पहले निकालना पड़ेगा कि हमारे स्कूल के टॉपर होना कोई अचीवमेंट है, ये निकालना पड़ेगा. जब तक आप प्रेजेंटेशन में देते रहोगे तब तक पेरेंट्स चाहते रहेंगे, और इनका यू आर ट्रांसफरिंग दैट प्रेशर टू द किड्स. सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन को लेकर पूरा नज़रिया हमारा ख़राब है. अभी हम टॉपर्स निकाल रहे हैं, हम पैकेजेस निकाल रहे हैं, हम कैरियर, हमको एज ए नेशन सोचना है, एज ए सोसाइटी सोचना है. आज हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, दिस गर्ल आस्क्ड अबाउट एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन, आई थिंक दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एजुकेशन. अगर हमारे समाज में रेप हो रहे हैं, अगर हमारे समाज में सेक्स रिलेशनशिप को लेके, अगर हमारे समाज में बॉडी के टीनेज एंड यंग एज डेवलपमेंट्स को लेके कोई नॉलेज नहीं है, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए कंसल्टेंट रखेंगे, एजुकेशन में हम बड़ी बड़ी आइडियलिज्म पढ़ाएंगे, ये नहीं चल सकता. आपको एजुकेशन को लाइफ से जोड़ना पड़ेगा. वो बड़ा चैलेंज है, आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट. आई होप वन डे विल बी सक्सेसफुल. टेंजिबल, मुझे लगता है हम जो मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, अप टू सम एक्सटेंट आई हैव सॉर्टेड आउट, बट इन नेक्स्ट 1 or 2 years विल सॉर्ट इट फॉर नेक्स्ट 20 years, दैट आई कैन मेक श्योर. गेटिंग गुड क्वालिटी टीचर इज अनदर, बिकॉज हमारी टीचर ट्रेनिंग्स बहुत ख़राब हैं. वो अब इतने सारे टीचर्स हम ले रहे हैं, आई होप वील गेट गुड टीचर्स.